हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी ला रहा हूँ, क्योंकि हम माइंड बॉडी टेक्निक्स की बात करते हैं, माइंड की थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, तो आई एम ब्रिंगिंग यू ए स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इससे पहले कि मैं स्टोरी को स्टार्ट करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसको शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी आई एम प्रेजेंटिंग यू फ्रेंड्स। आज से लगभग 2000 साल पहले हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही अद्भुत राजा हुए हैं। हिज नेम वॉज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आप सब लोग जानते हैं कि इन्हीं के नाम पे विक्रम संवत जो एरा है वो नाम रखा गया है, तो विक्रम एरा इज नेम्ड आफ्टर हिम। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है दैट इज बेस्ड ऑन हिज नेम। फ्रेंड्स, दिस किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही वाज फ्रॉम कन्नौज, और जो उज्जैन, सॉरी नॉट कन्नौज, ही वॉज फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन का किंग थे। और इन्हीं से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, दैट इज़ विक्रम बैताल की जो स्टोरी है वो इन्हीं किंग से रिलेटेड है। सो मैं खैर विक्रम बैताल की स्टोरी नहीं बताऊँगा, आई एल ब्रिंग यू ए स्टोरी विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट। दिस इज ए प्रिकर्सर टू विक्रम बैताल। तो इसकी चंद्र विक्रमादित्य की एक मॉर्निंग में एक सभा होती थी। ही यूज़ टू कॉल अ मीटिंग वेयर ही यूज टू मीट पब्लिक, एंड इन द मॉर्निंग पीपल फ्रॉम द सिटी दे यूज टू कम हिम एंड पे होमेज टू हिम। वो कुछ कुछ आते थे, उससे अपनी समस्याएं बताते थे, साथ में अपने अपने साथ कुछ कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाते थे राजा के लिए। सो एक बार मॉर्निंग सेशन चल रहा था और पीपल यूज टू कम टू हिम एंड सल्यूट हिम एंड देन गिव हिम ए गिफ्ट आल्सो। एक गिफ्ट उनको देते थे वो। तो एक कोई बहुत ही अघोरी साधु थे, तो वो भी आना शुरू किए वहाँ पे। तो व्हेन हिज टर्न केम ही वेंट टू द किंग एंड ऑफर्ड हिम जंगली फ्रूट। ही बिकॉज ही वॉज लिविंग इन द जंगल ओनली, ही वॉज डूइंग सम मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, सम तांत्रिक क्रियाज। तो ही व्हाट ही डिड, ही गेव हिम, गेव द किंग अ जंगल अ फ्रूट फ्रॉम द जंगल। सो द किंग केप्ट इट एंड देन गेव इट टू हिज मिनिस्टर, जो अपना मंत्री था उसको दे दिया। एंड मंत्री ही सॉ इट, ओके इट्स अ फ्रूट, जंगली फ्रूट, देन ही पुट इट इन सम वेल, बिकॉज उनको पता है कि राजा कभी भी पूछ सकता है। तो वो एक वेल था, सूखा हुआ वेल था, वहाँ पे डाल देता था, एक कुआं था वहाँ डाल देता था। देन नेक्स्ट डे आल्सो ही केम दैट सेम साधु, ही केम, ही अगेन पेड, ही सैल्यूटेड हिम एंड देन गेव हिम अ फ्रूट, उसको फ्रूट दिया। फिर वो सेम फ्रूट, एक्चुअली अगेन ही गेव दिस फ्रूट टू द मिनिस्टर एंड देन मिनिस्टर इन टर्न पुट इट इन द वेल, एक कुआं, सूखा हुआ कुआं, उसमें डाल दिए। ऐसे करते ही यूज टू कम डेली टू द किंग, ऑफर हिम ए फ्रूट, जंगली फ्रूट, एंड देन किंग इन टर्न यूज टू गिव इट टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर इन टर्न यूज टू गिव इट टू द मिनिस्टर इन टर्न यूज टू थ्रो इट इन द वेल। अब ऐसे बहुत साल चलता रहा, एक साल बीता, दो साल बीते, चार साल बीते, पाँच साल बीते, आठ साल बीते, ऐसे कर करके 12 साल हो गए, 12 years passed, and he used to bring the jungly fruit always. और राजा से जरूर मिलता था वो। 12th year में क्या हुआ कि the king was, when he was, he saluted him, that aghori sadhu, he saluted the king and then gave him again one jungly fruit. And then king, rather than giving to the minister, he saw one monkey standing behind. तो ही गेव इट टू द मंकी टू ईट इट, एंड मंकी जस्ट उन्होंने उसको खोला फ्रूट को एंड ही स्टार्टेड ईटिंग, एंड ऑल ऑफ ए व्हेन ही स्टार्टेड ईटिंग इट ना, वन डायमंड केम आउट ऑफ इट, एक
एक डायमंड वहाँ से उस फ्रूट्स के अंदर से बाहर निकला। तो किंग वॉज वेरी सरप्राइज कि यार दिस फ्रूट हाउ इट कैन कंटेन डायमंड। देन ही रिमेंबर दैट फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स ही वॉज गिविंग हिम द फ्रूट्स। दैट मीन्स 12 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 365 डेज, सो मेनी फ्रूट्स मस्ट हैव बीन देयर। देन ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर, बस अपने मिनिस्टर से पूछा कि भाई ये फ्रूट्स कहाँ रखे आपने। ये सेड सर आई डोंट नो बट आई यूज्ड टू थ्रो इट इन दी वेल, एक सूखा हुआ कुआं था, आई यूज्ड टू थ्रो इट देयर। देन किंग एंड द मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर दे वेंट टू द वेल, सो ऑल दोज फ्रूट्स विच वर बींग थ्रोन इन द वेल फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर दे वर ऑल रॉटन अप, सब सड़ गए थे, लेकिन ऑल दोज एवरी फ्रूट्स हैड वन डायमंड इन इट एंड होल वेल, पूरा कुआं जो है वो डायमंड से जगमगा रहा था, पूरा मतलब जैसे डायमंड की जो चमक होती है। तो होल वेल वॉज फिल्ड विद डायमंड्स, ऑल दो इट वॉज अ रॉटन फ्रूट्स देयर बट डायमंड्स वर ऑल्सो शाइनिंग लाइक एनीथिंग। सो आफ्टर दैट स्टोरी उसकी ये है कि दैट अघोरी ही टुक विक्रम बेताल अलॉन्ग विद हिम, और तब विक्रम बेताल की स्टोरी जो साधु है वो अपने साथ ले जाता है और वहाँ पे विक्रम बेताल की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो मैं उस स्टोरी के ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में हमारे पास इस तरह के बहुत सारे डायमंड्स आते हैं। वी हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, वी हैव सो मैनी, हमारे पास मौके आते हैं, ऐसे ऐसे सिग्नल्स हमारे पास आते हैं, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, बट वी आर अनअवेयर क्योंकि वी आर नॉट कॉन्शियस, हम कॉन्शियस नहीं होते, और ऐसे करके वो सारी चीज़ें हमें हमारी लाइफ में डायमंड्स आते रहते हैं। सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ कम एंड वी लूज दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो फ्रेंड्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दी सिग्नल्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई दी डायमंड्स इन योर लाइफ। ऐसी आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे डायमंड्स आ रहे होंगे, आते हैं, बट वी कंसिडर देम एज स्टोन्स ओनली, हम ये सोचते हैं कि शायद ये स्टोन्स हैं, एंड इन दैट प्रोसेस वी लूज देम एक्चुअली। तो फ्रेंड्स देर आर अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। नॉर्मली आई ऑलवेज से दैट मनी इज इन द एयर, यू शुड नो हाउ टू टैप इट। हेल्थ इज हेयर ओनली, यू हैव टू टैप द रिसोर्सेज ऑफ द हेल्थ। वेल्थ इज देयर, यू हैव टू टैप इट, इट इज स्प्रेड एवरीवेयर। रिलेशनशिप्स यू हैव टू क्रिएट देम, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड एम्बियंस कंडीशंस आर देयर, यू हैव टू क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज। दैट मीन्स डायमंड्स and diamonds and diamonds are available everywhere, but we are unaware, हम सोचते हैं यार ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे ऐसे ही है, but try to identify the areas, try to identify the diamonds, try to identify the opportunities, try to identify among nature, there may be many things for you, tap those potentials, you are the creator and the raw material with which you have been made and the raw material with which the universe has been made, it is the same material and they understand each other. The raw materials with which you have been made and the raw material with which the universe has been made, it is one and the same and they understand each other. Whatever you think, it is understood by that universe. So always ask for what? Ask for health, ask for wealth, ask for great relationship, ask for success, ask for opportunities, ask for peace, ask for tranquility, ask for happiness, ask for bliss. Jo kuch mangoge, you should know how to ask. Just kahiye, sab milega. So thank you. Try to identify these diamonds in your life. Life will be great. So once again, I say thank you to you and do not forget to subscribe my channel. I'll keep on bringing such stories, such motivational concepts, and which will ultimately lead to you great health. Thank you so much and subscribe my channel. Thank you.